नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा देखे जाने वाला आपका अपना यूपीएस न्यूज स्टोरी फॉर लाइफ। पृथ्वीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी के निरंजन से यूपीएस न्यूज 24 के हमारे बुंदेलखंड प्रभारी विक्रम पटेल ने की खास बातचीत। आज हमारे साथ पृथ्वीपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे के निरंजन जी हैं। ये बताइए, इस समय सीजन में वायरल का सीज़न चल रहा है, डेंगू भी आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, तो किस तरह की मरीज आ रहा है इस समय? अभी इस समय कुछ पेशेंट हैं जो इमरजेंसी भी आ रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम, मलेरिया और टाइफाइड फीवर, इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, मलेरिया बिगड़ जाता है तो मलेरिया टाइफाइड में हो जाता है। और भी कुछ पेशेंट हैं जो रात के टाइम आते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर पृथ्वीपुर में ट्रीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी व्यवस्था हमारे जिला अस्पताल में होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ प्राइमरी पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फिर अगर हम लोगों को लगता है तो फिर हम लोग झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर देते हैं। डेंगू के मरीज आ रहे हैं क्या, ऐसे अभी कोई केसेस आए सामने? नहीं, अभी तक तो डेंगू का कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन मलेरिया और टाइफाइड तो डेली 10-15-20 पेशेंट आते ही हैं, लेकिन डेंगू का अभी तक हमारे CSC में मेरे अंडर में नहीं आया अभी तक डेंगू को। इस समय अभी मरीजों की क्या OPD चल रही है? इस समय OPD हम लोगों की 350-400 के समथिंग जाती है, मतलब पूरे दिन भर में 600-700 पेशेंट आ जाते हैं। UPS न्यूज 24 से बात करने के लिए।